सरकार के कार्यभार संभालने से पहले ठीक एक शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो कैसे होता है ये समारोह? तो देखिए, लोकसभा चुनाव के 543 सीटों के लिए सियासी घमासान हमने कुछ दिनों पहले देखा, जिसमें से दो बड़ी गठबंधन एनडीए और इंडिया में से एनडीए की सरकार केंद्र में आई। तो अब हमारा सवाल नंबर एक कि कैसे होता है ये शपथ ग्रहण समारोह, सवाल नंबर दो क्यों होता है ये समारोह, और सवाल नंबर तीन कौन कौन से है वो बड़े नेता जिन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। तो सवाल नंबर एक, कैसे होता है ये शपथ ग्रहण? तो देखिए, प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 75 के अनुसार हमारे देश के राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करनी होती है। शपथ के लिए एक बनाई हुई शपथ पत्र का पालन किया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री पढ़ते हैं और स्वीकार करते हैं। और इसके बाद भी एक आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेने की डेट और टाइम लिखी होती है। तो सवाल नंबर दो, क्यों ली जाती है शपथ? तो शपथ एक संकल्प तत्व होता है, जिसमें पवित्र चीजों का उल्लेख होता है, और ये इंसान को अपने कार्यभार के लिए निस्वार्थ भावना से अपने सत्य कर्म की ओर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे शपथकर्ता अपनी और अपने कार्य की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उठाता है। तो अब सवाल नंबर तीन, किन किन बड़े नेताओं ने शपथ ग्रहण किया? तो नंबर एक पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया। इसके बाद श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह के साथ 72 मंत्रियों ने शपथ ली। तो वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर करें।